सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़, यानी 10,000 के अंदर वो कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि आज के टाइम पे आपको बाई करना चाहिए। और गाइस, यहाँ पर जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऐसे फोन्स देखने को मिले जो कि 10,000 के अंदर बेस्ट है। बट गाइस, यहाँ पर मैंने सोचा कि यार क्यों ना आपको बहुत सारे फोन्स बता करके कन्फ्यूज ना किया जाए और कुछ ऐसे फोन्स बताया जाए जिन्हें आप बाई कर पाओ। मतलब गाइस, यहाँ पर मैं बस दो ही स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो कि अंडर 10,000 यानी 10,000 के बजट के अंदर बहुत ही कमाल के हैं। मतलब गाइस, यहाँ पर अगर मैं बताने लगूँ तो 5 से 6 स्मार्टफोन को ऐड कर सकता था, बट मुझे लगा कि आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए और आपको जो बेस्ट है वही बता देना चाहिए। तो अगर आप भी एक डिवाइस बाय करना चाहते हो जहां पर 10,000 के अंदर आपको कमाल की बैटरी, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले और ओवरऑल कमाल की परफॉर्मेंस और सारे स्पेक्स बहुत ही कमाल के मिले, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, बात करते हैं अपने पहले स्मार्टफोन के बारे में जो कि आता है रियलमी की तरफ से, जो कि है रियलमी का नार्जो 10A स्मार्टफोन। हालांकि गाइस, रियलमी की तरफ से आपको रियलमी सी सीरीज के कई सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं अंडर 10,000 रुपीज, जो कि रियलमी C3, रियलमी C15 और रियलमी C12 स्मार्टफोन। बट अगर कंपैरिजन कर दे तो रियलमी का नार्जो 10A स्मार्टफोन आगे निकल जाता है और इसीलिए मैंने बस इसी स्मार्टफोन को इस लिस्ट के अंदर रखा है। सो गाइस, अगर बात करें रियलमी नार्जो 10A स्मार्टफोन के बारे में तो ये स्मार्टफोन आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ 9,000 के करीब देखने को मिल जाता है, जहां पर गाइस आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की HD+ रिजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल देखने को मिलती है। बट गाइस, यहां पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है और यहां पर आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन गाइस, अगर बात करें डिस्प्ले साइड को लेकर तो 10,000 के अंदर डिस्प्ले के अंदर एक ही कमी देखने को मिलती है कि यहां पर आपको कोई फुल HD+ रिजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, ओनली आपको HD+ रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। तो अगर एक फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले होती तो ज्यादा बेस्ट होता। बाकी अगर बात करें इस फोन के डिजाइन को लेकर, बैक साइड लुक को लेकर, तो यहां पर आपको एक पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक मिलती है जो कि स्क्रैच प्रूफ डिजाइन होने वाली है और यहां पर गाइस आप जल्दी से स्क्रैच इसे नहीं कर पाओगे। ओवरऑल गाइस, बिल्ड क्वालिटी मुझे इस प्राइस के अंदर ठीक लगी। बट गाइस, नार्जो 10A की जो ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है बड़े बड़े अक्षरों में, शायद ये कुछ लोगों को ठीक नहीं लगे बट कुछ लोगों को अच्छी लगती है। हालांकि मुझे ये ठीक लगा, आप कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये डिजाइन कैसी लगती है। बाकी गाइस, बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और इस फोन के साथ आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, 3.5mm ऑडियो जैक और टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस, अब हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा को लेकर। सो नार्जो 10A के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है, जहां पर प्राइमरी लेंस होगा 12 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। सो ओवरऑल गाइस, अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहां पर आपको बैक साइड में डे लाइट कंडीशन में अच्छी फोटोज देखने को मिलती है, बट अगर नाइट कंडीशन की बात करें, लो लाइट कंडीशन की बात करें, तो आपको डिसेंट सी फोटोज देखने को मिल जाती है और सेम यही हाल आपको फ्रंट कैमरा के अंदर देखने को मिलता है। सो कैमरा आपको ओके मिलता है, इस प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई, इस फोन के साथ आपको मीडियाटेक के हीलियो जी सीरीज का एक गेमिंग चिपसेट दिया गया है, मीडियाटेक हीलियो G70, जो कि 12 nm आर्किटेक्चर बेस्ड एक कमाल का प्रोसेसर है। और गाइस, यहां पर ये इस प्राइस के अंदर एक बेस्ट गेमिंग चिपसेट हो जाता है। सो यहां पर आप बहुत स्ट्रीम लेवल वाली गेमिंग तो नहीं कर पाओगे, बट हां, यहां पर आप कमाल की गेमिंग कर पाओगे इस प्राइस पॉइंट के अंदर। लेकिन अगर बात करें इस फोन के बैटरी को लेकर तो इस फोन के साथ आपको एक लंबी बैटरी यानी 5000mAh 5000mAh की एक लंबी बैटरी मिलती है और भाई, उसे चार्ज करने के लिए अनफॉर्चुनेटली आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड 10W का चार्जर देखने को मिलता है, कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट या फिर फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं दिया गया है। लेकिन गाइस, अब हम बात करते हैं अपने लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि किंग स्मार्टफोन है और अभी तक इसे कोई भी पीछे नहीं कर पाया है, जो कि है Xiaomi का Redmi 9 Prime स्मार्टफोन, जहां पर आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज ऑप्शन ओनली 10,000 के अंदर मिलता है। लेकिन गाइस, कहीं ना कहीं नार्जो 10A से इसकी प्राइस 1,000 अधिक है, बट यहां पर आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है, तो वहीं पर नार्जो 10A के साथ में आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। सो इस चीज को भी आपको गौर करना है। लेकिन अगर स्पेक्स को देखें और डिस्प्ले को देखें तो Redmi 9 Prime की डिस्प्ले आपको 6.53 इंचेस की मिलती है, जो कि फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। सो कहीं ना कहीं नार्जो 10A से डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा आगे जरूर निकल जाता है, जहां पर भी आपको IPS LCD पैनल दी गई है और यहां पर भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल देखने को मिल जाता है। बट इसके डिस्प्ले के अंदर आपको Y1 L1 सर्टिफिकेशन में मिलता है, जहां पर आप Amazon Prime Netflix पर HD स्ट्रीम कर सकते हो। और इस फोन के डिस्प्ले के अंदर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिलती है, बट यहां पर जो एस्पेक्ट रेशियो मिलती है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, जो कि 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो। मतलब नार्जो 10A से जो Redmi का 9 Prime स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, मतलब ओवरऑल अगर दोनों को हाथ में पकड़े तो थोड़ा सा चौड़ा आपको लग जाएगा Redmi का 9 Prime स्मार्टफोन। लेकिन अगर बात करें Redmi 9 Prime के बैक साइड डिजाइन के बारे में, लुक के बारे में, तो यहां पर भी आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैक जरूर मिलती है, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलता है और स्क्रैचलेस बैक है। सो ओवरऑल इजीली स्क्रैच ये फोन भी नहीं होने वाला है। और अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो नार्जो 10
या फिर Redmi 9 Prime बिल्कुल ही इक्वल हो जाते हैं। सो गाइज ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज आप दोनों ही फोन में से किसी भी फोन को ले सकते हो और इस फोन के बैक साइड में भी आपको एक कमाल का फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज कहीं ना कहीं जब डिजाइन को देखे तो मुझे पर्सनली Redmi 9 Prime का जो डिजाइन है वो थोड़ा यूनिक लगा। कैमरा के जो साइड्स में आपको सर्कल्स मिलते हैं वो थोड़ा सा यूनिक लगा। तो कैमरा प्लेसमेंट है या फिर ओवरऑल डिजाइन मुझे काफी कमाल की लगी। बाकी आप बताओ कि आपको इन दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन बेस्ट लगा। बाकी इस फोन के अंदर भी आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक यानी हेडफोन जैक मिलता है। लेकिन Redmi 9 Prime के साथ आपको आयर ब्लास्टर मिलता है जो कि Realme के Narzo 10A के अंदर आपको नहीं मिलता है। सो ये एक चीज अलग है। बट गाइस अगर बात करें इस फोन के कैमरा को लेकर, सो यहां पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा लेंस मिलते हैं जहां पर Narzo 10A के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा लेंस मिलते हैं। सो इस फोन के अंदर क्वाड कैमरा लेंस मिलते हैं जहां पर प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिलता है। और अगर बात करें फ्रंट कैमरे को लेकर तो 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है। बट अगर बात करें बैटरी को लेकर तो यहां पर आपको एक लंबी बैटरी यानी 5020 एमएच 5020 एमएच की बैटरी मिलती है। और अच्छी बात की आपको 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली कि बॉक्स के अंदर आपको वही 10 वाट का नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है। सो अगर आपको फास्ट चार्ज करना है, थोड़े से फास्ट में चार्ज करना है तो 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जैसे कि आप मार्केट से लेकर चार्ज कर सकते हो। बाकी इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek का Helio G80 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 12nm आर्किटेक्चर पे कमाल का चिपसेट है। तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस कमाल की मिल जाएगी और इस प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे देगा Redmi का 9 Prime जहां पर आप PUBG वगैरह स्ट्रीम लेवल पर खेल सकते हो। हालांकि PUBG अब नहीं रहा, बैन हो चुका है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं स्ट्रीम लेवल पर आप हाई डेफिनेशन गेम को प्ले कर पाओगे। बात करें फाइनल कंक्लूजन को लेकर, सो गाइस यहां पर मैं क्लियरली कहूंगा कि अगर आपको 10,000 के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है तो Redmi का 9 Prime एक बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है। और मैंने बहुत सारे फोन से जिनको सेलेक्ट कर सकता था बट नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो एक फोन है जो कि आपको बाय करना है वो बेस्ट होना चाहिए और आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो मैंने कोशिश की है बिल्कुल आपको बिना कंफ्यूज किए एक बेस्ट स्मार्टफोन बता दूं। तो बस यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो कंटेंट में दम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।